ब्रिस्बेन सिटी के अंदर जितने भी विजिटर पॉइंट्स हैं उनको क्यों ना कवर किया जाए और आप तक भी शेयर किया जाए। तो इसका आगाज हम करेंगे अपने घर के पास जो नज़दीक तरीन एरिया है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश भी होता है और बहुत ज़्यादा विजिटर भी, आउटसाइड ऑफ द कंट्री पीपल भी आते हैं। तो यहाँ पे पास ही संता अपोलोनिया स्टेशन है, हम वहाँ पे जाएंगे और उससे पहले हम बाहर जाके मौसम देखते हैं कैसा है और फिर आपको बाहर की सैर करवाते हैं। ओके, तो बाहर देखते हैं कैसा मौसम है। तो अभी तो इस टाइम यहाँ पे राउंड अबाउट मगरब का टाइम हो गया है। तो ये जो पीछे ये छोटा सा लॉन है और ये बाहर सेहन है और इसके बिल्कुल बैक साइड पे वो जो आपको ग्राउंड नजर आ रहा है छोटा सा, ये फुटबॉल क्लब है। यहाँ पे आके लोग फुटबॉल खेलते हैं। और ये बिल्कुल पीछे यहाँ पे जो आपको पार्किंग नजर आ रही है ये GNR फोर्स का यहाँ पे दफ्तर है, जहाँ बिल्कुल सेम है जिस तरह पाकिस्तान में ISI है, यहाँ पे भी ये क्राइम कंट्रोलिंग फोर्स है, GNR का दफ्तर। तो ये बिल्कुल, और पीछे जो देखें ये आपको यहाँ से समंदर नजर आ रहा है, बहरे कैनोस, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो इसके ऊपर ही बिल्कुल वास्को डी गामा ब्रिज है, जो काफी लेंथी यहाँ से ब्रिज है। तो वो तकरीबन यहाँ से 20 से 30 मिनट के ड्राइव के ऊपर है, तो उसकी भी आपको सैर करवाएंगे। उससे पहले चलते हैं बाहर और आपको जाके दिखाते हैं और बताते हैं कि जो संता पोलोनिया स्टेशन है वहाँ पे बेसिकली क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या कुछ वहाँ पे है। मौसम तो बाहर का काफ़ी अच्छा है देखने को लग रहा। तो जर्मन, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क और ग्रीस के हवाले से देखा जाए तो ये पुर्तगाल का जो मौसम है ये काफ़ी बेटर है उनसे। वहाँ पे तो आजकल जो टेम्परेचर है वो माइनस में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छा मौसम है, ठीक है। सूरज भी निकलता है और ठंडी हवा भी चलती है, लेकिन मॉडरेट मौसम होता है, ना ही ज़्यादा ठंडा है और ना ही ज़्यादा गर्म है, अच्छा मौसम है। बाहर निकल रहे हैं तो जैकेट और स्वेटर वगैरह पहन लेते हैं। तो आइए आपको सैर करवाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं भाई। यहाँ पे ये बसेस येलो कलर में बसें चलती हैं, ये 735 बस है, ये मेरे घर के बिल्कुल पास उसके सामने पे इसका स्टॉप है। तो यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का सिस्टम है बहुत अच्छा है। यूरोप के कदीम तरीन शहरों में से लिस्बन अपनी भरपूर सकाफती तरीह, नाकाबले यकीन मादनियात, दिलकश फन तमीर और पुर्तगालियों के रहने के दोस्ताना और आरामदा अंदाज से आपको अपने जादू में घेरता है। तो अगर आप मौसम हज़ां या सर्दियों में आना पसंद करते हैं तो अक्टूबर और अप्रैल के महीनों के दरमियान आएँ, क्योंकि दिन में बारिश और सर्दी होगी। तो अप्रैल में आप मज़ीद पुरकशिश मकाम देखेंगे। तो अगर मौसम गर्मा मई और सितंबर के दरमियान आना चाहते हैं तो इसमें भी आ सकते हैं, क्योंकि सूरज बहुत ज़्यादा होता है जो खुशक गर्म और लंबे दिन फ्राहम करता है, तो मज़ा आता है उस मौसम के अंदर भी।
तो लिस्बन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड एंड द सेकंड ओल्डेस्ट यूरोपियन कैपिटल सिटी आफ्टर एथेंस विच इज़ लोकेटेड इन ग्रीस। तो उसको भी हमने विजिट किया है। सो टुडे दिस सिटी ऑफ द मोर देन 5 लाख पीपल इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड लोरिंग ट्रेवल्स हु वांट टू एस्केप द क्राउड्स ऑफ मोर विजिटेड प्लेसेस लाइक पेरिस एंड बार्सिलोना। तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पे जो संता पोलोनिया है उसके सेकंड गेट के पास। तो इसका जो फ्रंट वाला गेट है वो बिल्कुल यहाँ से आगे की तरफ जाएं तो तकरीबन राउंड अबाउट 2 to 3 मिनट का डिस्टेंस है, तो वो मेन गेट है। तो अभी हम इसके जो हमारे घर की तरफ जो सेकंड गेट है बैक साइड पर वहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए अंदर चलते हैं और आपको जाके दिखाते हैं कि अंदर इसके क्या क्या है। यहाँ पे PTCL का सिस्टम जो काफ़ी दौर पुराना था, अभी भी इन लोगों ने अपनी खूबसूरती को मेंटेन किया हुआ है। ये यहाँ पे भी लगा हुआ है और ये गेट के उस कॉर्नर पे भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी आपको दिखने को मिलेगा, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों पे लगा हुआ है। लेकिन ये मज़े की बात बताऊँ, ये अभी भी फंक्शनल है, ठीक है, अभी भी चलते हैं। अगर किसी के पास सेलफोन में अगर वो लोड नहीं है तो यहाँ पे आप अपना ATM वाला कार्ड लगा के भी आप यहाँ से कॉल कर सकते हैं, ये फंक्शनल है। तो अगर आप ये नीचे फर्श पर नज़र दोहराएं तो यहाँ पे आपको देखें ये कितने सफाई के साथ छोटे छोटे पीस लगे हुए नज़र आएंगे। तो ये जो छोटे छोटे पीस हैं ये देखें कितने एक सीक्वेंस के अंदर लगे हुए हैं। तो ये तकरीबन आपको हर रोड के ऊपर, हर एक वॉकिंग पाथ के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बड़ी खूबसूरत चीज़ है यहाँ की। तो यहाँ जहाँ से मैं आया हूँ इस गेट के नीचे को रास्ता जाता है जो आपको पहले बताया, अगर आप नीचे से जाएंगे तो आपको वहाँ से आपने आना है, ठीक है। ये दोनों पाथ के दरमियान ये रेल है तो इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। अगर आप क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे आपको किसी सिक्योरिटी गार्ड अगर फॉर एग्जाम्पल देख लेते तो आपको फाइन भी कर सकता है, तो ये इलीगल है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस। सो अगर आपने आना है तो आपने यही रास्ता फॉलो करना है या वो नीचे वाला अंडरग्राउंड पाथ फॉलो करते हुए आप उस साइड पर निकलना है। तो उसी खूबसूरती को मेंटेन करते हुए अगर हम यहाँ नीचे फ्लोर पर देखें तो ये कितना खूबसूरत फ्लावर सा बना हुआ है। ये भी उसी तरह बिल्कुल सेम है, सिर्फ छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़ों का बना हुआ है, ठीक है। तो देखें कितने खूबसूरत तरीके के साथ इन्होंने इसको जोड़ा हुआ है।
यहाँ पे ये राइट एंड लेफ्ट साइड पे यहाँ पे ये बुक स्टोर है, और उस साइड पे अगर देखें तो यहाँ पे कैफेटेरिया है जहाँ पे लोग आके चाय वगैरह पीते हैं। तो इसके इस साइड पे सामने ये होटल है जहाँ पे आके कुछ लोग स्टे करते हैं, नाइट स्टे वगैरह। और मज़े की बात, यहाँ पे आपको पूरे यूरोप के अंदर कहीं पे भी जो कवे हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ पे आपको बस जस्ट कबूतर ही नजर आएंगे, पिजन वगैरह यहाँ पे होते हैं, तो कवे वगैरह यहाँ पे नहीं आपको नजर आएंगे। तो ये संता पोलोनिया का रोड मैप है। यहाँ पे अगर नीचे हम अंडरग्राउंड को तो जाएंगे तो यहाँ पे नीचे मेट्रो स्टेशन है। तो अगर यहाँ पे देखें तो फॉर एग्जांपल अगर ये लिफ्ट ख़राब हो जाती है तो यहाँ से भी नीचे रास्ता है जाने का, तो ये लिफ्ट के थ्रू हम नीचे जाएंगे। यहाँ पे ये सामने जो लगी हुई है मशीन लगी हुई है टिकट लेने के लिए, लेकिन लोगों ने जिन लोगों के पास कार्ड बने हुए हैं वो मोस्टली तो कार्ड यूज़ करते हैं। तो लिस्बन सिटी के अंदर ट्रैवल करने के लिए बेसिकली यहाँ पे 30 यूरो का कार्ड हम डलवाते हैं, लेकिन अगर आप आउट ऑफ द लिस्बन सिटी जाते हैं तो फिर आपको 40 यूरो का कार्ड चार्ज करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये मशीन लगी हुई है जहाँ से टिकट बाय करते हैं। तो यहाँ पे कार्ड अप्लाई करके, तो यहाँ पे हम अगर इस ब्लू लाइन को देखें तो हम इसको फॉलो करते हुए ये संता पोलोनिया से स्टार्ट होती है और जाती है ये रिबलोरिया की तरफ, ठीक है। तो यहीं से ये एयरपोर्ट से भी आपको मिलेगा इसका जंक्शन, ओदिवरेज का और थैलेरस का जंक्शन मिलेगा। ये मेट्रो यहाँ पे स्टॉप है, यहाँ से अगर देखें तो इस वक्त हम यहाँ पे संता पोलोनिया पे हैं। ये जो रेड कलर का डॉट नज़र आ रहा है जहाँ पे भी होगा, इट मीन्स डैट हम उस लोकेशन पे लोकेट कर रहे हैं। तो इस टाइम हम लोकेट कर रहे हैं संता अपोलोनिया के ऊपर। तो संता अपोलोनिया से ये ब्लू लाइन को फॉलो करते हुए ये मेट्रो स्टेशन जाएगी रिबलोरिया की तरफ।
दिस स्टेशन वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड इन 1865। तो इसके कंस्ट्रक्ट करने का मकसद ही यही था कि स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान जो ट्रेन लाइन है वो बिछाना था, क्योंकि पूरे यूरोप से और जितने भी लोग ट्रैवल करके आते हैं उनको आगे अमेरिका या कनाडा अगर ट्रैवल करना होता है तो उनको यहीं से ऑफलोड किया जाता है। तो वो सारे पैसेंजर्स को यहाँ से ऑफलोड करके तो उनको क्रूज़ और बहरी जहाज़ों के थ्रू उनको आगे अमेरिका या कनाडा की तरफ उनको ऑफलोड कर दिया जाता था। ये जो सामने वाली संता पोलोनिया के बिल्कुल ये सामने बिल्डिंग है अपोजिट साइड के ऊपर, तो ये जो बिल्डिंग है ये मिलिट्री म्यूज़ियम है। तो ये इसकी जो साथ लेफ्ट साइड पे है ये समंदर है सारा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह इम्पोर्टेंट जगहों की वीडियो आप तक पहुँचती रहें। तो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।